जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्यों? क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं सलमान खान केस में एक गाजियाबाद का युवक, पश्चिम बंगाल हिंसा में 2 पुलिस ऑफिसर, कुछ कट्टरपंथी और एक जालसाज। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात सलमान खान पर हुए हमले की, जहां सलमान के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में गाजियाबाद का कनेक्शन सामने आया है। मुंबई पुलिस ने गाजियाबाद से एक 20 साल के युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवक ने सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट से बांद्रा पुलिस स्टेशन तक लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ओला कैब बुक किया था। ओला कैब का ड्राइवर जब सलमान खान के घर के बाहर पहुंचा और वहां के गार्ड को बुकिंग के बारे में बताया तो गार्ड ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने जब डिटेल निकाली तो ओला बुक कराने वाला गाजियाबाद का एक युवक निकला जिसका नाम रोहित त्यागी है और उसकी उम्र महज 20 साल की है। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने सिर्फ मौज मस्ती के लिए ये सब काम किया है। फिलहाल आरोपी रोहित त्यागी को कोर्ट ने 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 2 दिनों पहले ओला कार लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बुक किया था। आरोपी ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ही ओला क्यों बुक किया इसकी जाँच अब पुलिस कर रही है, पुलिस जाँच में जुटी है। बता दें कि पुलिस ने तीव्रित कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले आरोपियों को गुजरात के कच्छ से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। अगली खबर में बात 2 लापरवाह अफसरों की, जहां चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में राम नवमी पर हुई हिंसा पर बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर और बेलडागा के ऑफिस इंचार्ज ओसी को निलंबित कर दिया है। पहले चरण के मतदान की समाप्ति के बाद ही चुनाव आयोग की ओर से एक पत्र जारी किया गया। आयोग ने तर्क दिया कि भले ही दोनों पुलिस अधिकारियों को विशेष कर्तव्य दिए गए थे लेकिन वो इन कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहे। उनके सस्पेंड करने और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करने का निर्देश दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश कुमार ने इस कार्रवाई का पत्र 19 अप्रैल को जारी किया है। पत्र पश्चिम बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संबोधित है। राकेश कुमार ने इस पत्र में 17 अप्रैल 2024 को हुई हिंसा का जिक्र किया है। इस हिंसा के एक दिन बाद 18 अप्रैल को भारत निर्वाचन आयोग ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि शक्तिपुर और बेलदाड़ा इलाके के थाना प्रभारी अपने इलाकों में हिंसा रोकने में नाकाम रहे। पत्र में इन दोनों थाना क्षेत्रों के इंचार्जों को सस्पेंड करने का आदेश दिया गया है। जिन 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है उनके नाम राजीव मुखर्जी और मोहम्मद जलाउद्दीन है। निलंबन की अवधि में दोनों थाना प्रभारी पुलिस मुख्यालय से अटैच रहेंगे। इन दोनों थाना प्रभारियों को उनके सीनियरों द्वारा चार्जशीट भी थमाने का निर्देश दिया गया है। वहीं शक्तिपुर और बेलदाड़ा थाने में नए प्रभारियों की नियुक्ति करने के लिए 3 सक्षम अधिकारियों का पैनल बनाने के लिए भी कहा गया है। अपने इस आदेश पर अनुपालन के लिए पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग को 20 अप्रैल शनिवार सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि 17 अप्रैल को हुई हिंसा के दौरान तत्कालीन थाना प्रभारी राजीव मुखर्जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में कई पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों के जवान हिंसा को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान कई व्यक्ति मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। सब इंस्पेक्टर राजीव मुखर्जी ने झपटा मारकर एक व्यक्ति के फोन को छीन लिया था। आरोप लगाया गया कि इस दौरान थाना प्रभारी ने उसे गालियां भी बकी थी। अगली खबर में बात कुछ कट्टरपंथियों की, जहां कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक यूट्यूबर ने दावा किया कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक गाना बनाया है। जब वो उसे एक एक करके लोगों के साथ शेयर कर रहा था उसी वक्त एक लड़के ने उसे अपने साथ चलने को कहा। जब शख्स इस बात के लिए तैयार हो गया तो उसे साथ ले जाकर दूसरे समुदाय के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। कट्टरपंथियों ने उसकी पिटाई की। यूट्यूबर ने बताया कि आरोपियों ने उससे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए और उसे मारपीट की। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला बेंगलुरु के एक सरकारी गेस्ट हाउस के पास का है। रोहित नाम का यूट्यूबर मल्लाहल्ली गांव का रहने वाला है।
और वो पेशे से एक यूट्यूबर है। रोहित ने बताया कि उसने करीब एक हफ्ते पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी पर एक गाना बनाया है। वो रास्ते में लोगों से इस गाने को देखने और उसके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा था। वहीं रोहित ने पुलिस को बताया कि इसी बीच एक युवक निकला, रोहित ने उसे भी गाना बताया। रोहित को अंदाजा भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत मोल रहा है। वो युवक रोहित को अपने साथ एक दूसरी जगह पर ले गया। युवक ने कहा कि उसके और भी ऐसे दोस्त हैं जो इस गाने को सुनना चाहते हैं। यूट्यूबर आराम से उसके पीछे गया। वहां पहुंचने के बाद युवक ने वो गाना दूसरे लोगों को भी सुनाया। इसी दौरान उस युवक पर वहां मौजूद लोगों ने हमला कर दिया, रोहित पर हमला कर दिया और उसके साथ मारपीट की गई। युवक का आरोप है कि वहां मौजूद सभी लोग दूसरे धर्म से संबंधित थे। युवक का आरोप है कि उसका मुंह बंद कर दिया गया था और उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद आरोपियों ने उसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। इसके बाद आरोपियों ने पीएम नरेंद्र मोदी पर गाना बनाने पर पीड़ित को गालियां दी। पीड़ित ने बताया कि उसके ऊपर आरोपियों ने बियर डाल दी थी और उसके हाथ में सिगरेट जला दी। इस पूरे मामले में जब युवक ने पुलिस को जानकारी दी तो पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आई। फिलहाल जांच की जा रही है कि युवक के दावे कितने सही हैं। इसके बाद केस दर्ज किया जाएगा। आखिरी खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक अधिकारी से लाखों रुपए की लूट की गई है। अधिकारी का आरोप है कि उन्हें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अकाउंट टेलीग्राम पर 10,000 रुपए का गिफ्ट जीतने का मैसेज आया था। इस मैसेज में लिखा था कि आप जितने भी पैसे लगाएंगे उसके 2 गुना से ज्यादा पैसे आपको मिलेंगे। ये देखकर अधिकारी ने अपने टोटल 34,76,000 रुपए गंवा दिए। अब ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। आजकल कई तरह के साइबर क्राइम के मामले सुनने और देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है गोरखपुर में एक युवा कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात एक अधिकारी के साथ। अधिकारी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उन्हें टेलीग्राम पर एक मैसेज आया था जिसमें 10,000 रुपए का गिफ्ट जीतने की बात कही गई थी। साथ ही कहा गया था कि अगर आप 10,000 रुपए लगाते हैं तो आप 20,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं। इतना ही नहीं, इस इनामी राशि के अलावा गिफ्ट का वाउचर अलग से मिलने की बात लिखी गई थी। इससे प्रभावित होकर अधिकारी ने 10,000 रुपए लगाए तो उसके अकाउंट में 20,000 रुपए आ गए। ये देखकर अधिकारी ने और पैसे लगाने की सोची ताकि वो डबल पैसा मिले। बता दें कि पैसे इन्वेस्ट करने का ये क्रम 6 अप्रैल तक चलता रहा। इस कड़ी में एक बार जब उन्होंने 50,000 रुपए लगाए तो उन्हें 3,00,000 के इनाम का मैसेज दिखा था। इस वाउचर को पाने के लिए इन ठगों ने अधिकारी से और पैसे लगवाए। ऐसा करते करते युवा कल्याण अधिकारी ने ठगों के अकाउंट में टोटल 34,76,000 रुपए डाल दिए। अधिकारी ने ठगों को पैसे देने के लिए 15,00,000 रुपए का लोन भी लिया था, लेकिन इसके बाद ये साइबर ठग उनसे पैसों की और डिमांड करते रहे। इस दौरान उनके पास पैसे नहीं बचे थे, लेकिन ठग अभी भी उन्हें पैसे देने के लिए फोर्स करते रहे थे, जिसे परेशान होकर अधिकारी ने कहा कि वो और पैसे नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा कि आसपास के लोगों से भी पैसा मिलना बंद हो गया है। ये बात सुन ठगों ने कहा कि और पैसा नहीं लगाएंगे तो आपकी पूरी राशि डूब जाएगी, पूरा पैसा डूब जाएगा। इसके बाद परेशान अधिकारी को जब ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत करने की सोची और पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी। वहीं संबंध में एसपी सिटी कृष्णा कुमार बिश्नोई ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर साइबर पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले की जांच की जा रही, जल्दी इस गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्कर में सलमान खान केस में एक गाजियाबाद का युवक, पश्चिम बंगाल हिंसा में 2 पुलिसकर्मी, कुछ कट्टरपंथी और जालसाज फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।